मामले में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे से जुड़ी फर्म में लगभग 12 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। बता दें कि गबन का आरोप फर्म के प्रोक्योरमेंट मैनेजर शिवम गुप्ता पर है। पुलिस ने केस दर्ज करके आरोपियों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। दरअसल हाइपर ग्रोसर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मैनेजर उत्कर्ष हंडे निवासी जीवाजीगंज ने जनकगंज थाने में एक शिकायती आवेदन दिया था। शिकायत में बताया गया है कि फर्म माई मंडी ऐप के माध्यम से सब्जी और फल की खरीद फरोख्त का कारोबार करती है। फर्म के प्रोक्योरमेंट मैनेजर शिवम गुप्ता ने कंपनी के साथ लगभग 12 लाख रुपए की ठगी की है। शिवम ने खुद की फर्म श्याम ट्रेडिंग के बिल लगाकर सस्ते माल को के दामों में कंपनी को बेचा है। पुलिस ने कंपनी के मैनेजर उत्कर्ष हंडे की शिकायत पर धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और साथ ही कुछ आरोपियों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। थाना जनकगंज में फरियादी उत्कर्ष हुंडे द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि उनकी कंपनी जो है माई मंडी नाम की कंपनी है, उसमें मार्केट से वो सब्जी खरीदी का काम करते हैं। उनका जो मार्केटिंग का मैनेजर है शिवम गुप्ता, उसके द्वारा जो है सब्जी खरीद कर जो है वेयर हाउस में रखी जाती थी और फिर अन्य लोगों को सप्लाई की जाती थी। शिवम गुप्ता ने जो है फर्जी एक डमी कंपनी अपनी बनाकर पहले डमी कंपनी के नाम से सब्जी खरीदी और फिर डमी कंपनी से माई मंडी में सप्लाई करी। इस प्रकार उसके द्वारा कंपनी के साथ करीब 12 लाख रुपए का फ्रॉड करना गमन करना पाया गया। तो ये बात उनके संज्ञान में आने पर उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनकी रिपोर्ट पर से धारा 420 409 34 का अपराध शिवम गुप्ता व उसके एक अन्य साथी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है। अब उत्कर्ष गुप्ता जो उत्कर्ष हुंडे हैं उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। अब इस संबंध में विवेचना की जा रही है। कौन से जुड़ा हुआ है इस संबंध में जानकारी